सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है एक रिव्यू वीडियो। आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं आप सबके साथ। मैंने काफ़ी दिन पहले इसको मंगाया है, मैंने अपने एक ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग चल रहा था तभी ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने आप सबके साथ छोटी सी क्लिप शेयर कर दी थी कि मैंने ये मंगाया हुआ है फ्लिपकार्ट से। तो आज उसका रिव्यू हम आप सबके साथ करने वाले हैं। हमेशा कोई भी चीज़ हो, अगर हम अपने बालों के लिए मंगाते हैं या अपने स्किन के लिए मंगाते हैं, तो पहले उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे लगते हैं तभी हम उसका रिव्यू करते हैं, आप सबके साथ शेयर करते हैं। अगर वो चीज़ मुझे अच्छी लगी है तो, नहीं अच्छी लगी है तो उस प्रोडक्ट का कभी भी हम जिक्र भी नहीं करते। तो आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं मामा अर्थ उत्तन फेस वॉश का फुल रिव्यू। ये कैसा है, कैसे काम करता है, मेरी स्किन पे कैसा रहा, जो भी कुछ है सब कुछ हम आप सबके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ममाद के बारे में, सॉरी फेस वॉश के बारे में। अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके होंगे तो मुझसे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बताते हैं मामा अर्थ उत्तन फेस वॉश मुझे, मेरी स्किन के लिए कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं मामा अर्थ उत्तन फेस वॉश के बारे में। तो सबसे मेन चीज़, ये सभी टाइप्स की स्किन को सूट करने वाला है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है। और तीसरी सबसे मेन चीज़, पैराबिन एंड SLS फ्री है। तो सबसे अच्छी बात है अगर हमारे फेस वॉश में पैराबिन नहीं है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इसमें जितनी चीज़ें हैं सब नेचुरल हैं, तो हमारी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। तो ये इस तरीके के ट्यूब में आता है, वाइट कलर का ट्यूब है, येलो कलर का इसका कैप है। तो देखिए इसकी जो इसमें 100 ml का ये ट्यूब है हमारा, और इसकी MRP है 249 और इसकी शेल लाइफ है अप्रैल 2023। मैंने अभी एक महीने पहले इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप चाहे तो मामा अर्थ की वेबसाइट से भी इसको मंगा सकते हैं। ये 10 रिमूवर फेस वॉश है, इसमें अगर आपके फेस पे टैनिंग हो रही है तो उसको ये रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है, फेस का कलर जो है वो ब्राइट करता है। तो मेरे कहने से मत जाइए, ज़रूर से इसको इस्तेमाल कीजिए। 7 डेज़ नहीं, आप 10 डेज़ इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो देखिए चलिए इसको हम दिखाते हैं ये किस तरीके से होता है। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में उपटन ज़रूर यूज़ किया होगा, तो बिल्कुल उपटन फॉर्म में ये आता है कुछ इस तरीके से, हल्के से बिल्कुल लाइट से येलो कलर में। और आप इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, जैसे उपटन में स्मेल आती है वैसे ही इसकी स्मेल भी है, और इस तरीके के गाढ़े से फॉर्म में ये आता है। जब आप इसको हल्का सा स्क्रब करेंगे, आप अपने फेस पे वॉश करेंगे, तो छोटे छोटे से इसमें पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने कभी भी स्क्रब यूज़ किया होगा तो उसमें थोड़े से हार्ड पार्टिकल होते हैं जो डेड स्किन निकालते हैं, लेकिन इसमें बहुत लाइट होते हैं, लगेगा नहीं कि आपने स्क्रब किया हुआ है। लेकिन ये स्क्रब हल्का सा इसमें स्क्रब जैसा आता है जब आप अपने फेस पे इसको यूज़ करेंगे, और इसमें हल्के हल्के से पार्टिकल्स आप जो आपके फेस पे टैनिंग होती है उसको रिमूव करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा पास से। तो देखिए इस तरीके से इसमें झाग बिल्कुल भी नहीं बनता है, पैराबिन फ्री है, इसमें बिल्कुल भी झाग नहीं बनेगा, लेकिन आपके स्किन के कलर को ये अच्छा खासा ब्राइट कर देगा और जो डार्क स्पॉट हैं इसको लाइट कर देगा। तो मेरे कहने पर मत जाइए, ज़रूर से इसको एक बार ट्राई कीजिए, आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से इसको मंगा सकते हैं। तो देखिए मैंने हैंड को अपने जो है वो वॉश कर लिया है, और आपको हम अभी हम दोनों तरफ साइड का दिखाएंगे। इधर साइड का देखिए हल्का सा ब्राइट लग रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तब भी आपका फेस का कलर जो है हल्का सा लाइट लगने लगेगा। तो आप इसको डेली यूज़ की। तो चलिए देखते हैं इस फेस वॉश में क्या क्या है। इसमें हल्दी और केसर है, जानते हैं इसके बारे में। स्किन के लिए हल्दी कितनी फ़ायदेमंद है, इसमें कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन पे आने वाले एक्ने और एक्ने स्कार्स को, सनबर्न जैसी परेशानियों को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। ये एक लाइटिंग एजेंट की तरह काम करती है और स्किन पर आई डार्क सर्कल को भी ख़त्म कर सकती है। केसर का यूज़ हम लोग बरसों से करते हैं अपने स्किन के निखार के लिए। तो केसर जो है वो एंटी फंगल के तौर पर भी काम करता है। केसर को चेहरे पर लगाने से डेड स्किन हट जाती है और साफ़ और चमकदार त्वचा आपके सामने आती है। ये आपकी स्किन टोन को भी प्राकृतिक रूप से साफ करता है। तो
आप लोग इसको कभी भी यूज़ कीजिए तो उससे पहले आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा इस पर दिया हुआ है कि आप लोग, कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि नेचुरल चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है किसी किसी के फेस पे, तो आप इसको यूज़ करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट ज़रूर से करें। आप छोटा सा अमाउंट लें, अपने हाथ पे, फेस पे बिल्कुल भी ना लगाएं, अपने हाथ पे कहीं पे भी लगा लीजिए। उसके बाद 24 घंटे में अगर आपके हाथ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई दाना नहीं आता है या कोई भी रेडनेस नहीं आती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप टेंशन फ्री होकर इसको यूज़ कीजिए। आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से इसको मंगा सकते हैं, मामा अर्थ का उत्तम फेस वॉश, और अगर आप चाहें तो मामा अर्थ की वेबसाइट से भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, बस इसी के बारे में मैंने आप सबके साथ सारा डिटेल में शेयर कर दिया है। इस ट्यूब के पीछे सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि इसमें क्या क्या है, तो आप जब इसको ख़रीदेंगे तो आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। इसको पैच टेस्ट के लिए भी दिया हुआ है कि आप छोटा सा पैच टेस्ट कीजिए, तो सब कुछ आप देख लीजिएगा इसमें जब भी आप इसको बाय कीजिएगा। तो यहाँ पे कैमरा मेरा जो है ना इसमें उल्टा दिख रहा है, तो मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को मामा अर्थ उत्तम फेस वॉश के बारे में। तो जब भी आप फेस वॉश करते हैं, हमेशा कोई कोई फेस वॉश ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो है ऐसे खींचने लगती है, लगता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो हमें कोई ना कोई कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ जाता है। लेकिन ये फेस वॉश मैंने यूज़ किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फेस पे हल्का सा चिकनाहट जो है वो बन जाती है, जैसे लगता है कि अभी हमने कोई मॉइस्चराइज़र लगाया है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि मुझे कोई फेस वॉश, कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फौरन, और ये स्किन को फौरन ब्राइट करता है। आप फर्स्ट यूज़ में ही देखेंगे कि आपके स्किन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। वैसे आप इसको 7 डेज ज़रूर 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 से ट्राई कीजिए, जो भी आपके स्किन पे डिफरेंट नज़र आएगा वो 7 या 10 डेज के बाद नज़र आएगा। तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहिएगा, आप 7 डेज या 10 डेज इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारी स्किन को सूट कर रहा है। तो हमने आप सबके साथ सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर दिया है मामा अर्थ के उत्तम फेस वॉश के बारे में। आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो। तो मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना कि इसमें क्या क्या है मामा अर्थ उत्तम फेस वॉश में। तो आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो लाइक बटन ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए इसको यूज़ कीजिएगा। मामा अर्थ उत्तम फेस वॉश के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर से इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब देंगे। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है ये वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।